फर्स्ट प्रोफेज़ में भी क्रोमैटिन प्रेजेंट है लेकिन जो लेट प्रोफेज है इसमें क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होती है इन टू द्रोमोजोम तो जो मेटाफेज़ एनाफेज एंड टीलोफेज इसमें जो है क्रोमैटिन कंडेंस्ड फॉर्म में होता है तो इसे हम बोलते हैं क्रोमोजोम

और ये डायमीटर इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है और यहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो जब हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ये क्रोमेटिन के साथ रैप होते हैं तो जो क्रोमेटिन है इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है विदाउट हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमेटिन है नॉर्मली इसका डायमीटर होता है टू नैनोमीटर और टू नैनोमीटर से ये इलेवन टू थर्टीन नैनोमीटर तब होता है जब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करते हैं उसके बाद जो जीवन फेज है इसमें भी सिंगल क्रोमेटिन है और यहाँ पे भी सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है Now, S S यहाँ पे जो डीएनए है, है तो यहाँ पे जो एक है, जब ये सेपरेट होते हैं तो की फॉर्मेशन होती है न्यू डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं तो यहाँ पे दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और दिस इज अंगल क्रोमैटिन जिसमें की दो सिस्टर क्रोमैटेड प्रेजेंट हैं विद सिंगल वन क्रोमैटिन सिमिलरली जो फेज है इसमें भी दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं है और एक सिंगल क्रोमेटिन है उसके बाद सेल एंटर करता है एम फेज में नाउ एम फेज का फर्स्ट फेज है प्रोफेज तो प्रोफेज जो है इसमें क्रोमेटिन का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है टू थर्टी नैनोमीटर इन डायमीटर उसके बाद जो लेट प्रोफेज है इसमें क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होती है इनटू वेल डेवलप्ड क्रोमोजोम तो यहाँ पे जो मेटाफेज है इसमें कंडेंस्ड फॉर्म प्रेजेंट है इज कॉल्ड द क्रोमोजोम और यहाँ पे जो क्रोमोजोम इसका डायमीटर है सेवन हंड्रेड नैनोमीटर नाउ यहाँ पे सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट है विद द स्टैंडर्ड डबल एन डीएनए मॉलिक्यूल्स उसके बाद जो सेल है ये एनाफेज में एंटर करता है और एनाफेज में क्या होता है कि दीज आर दू सिटेट और ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से तो दिस इज दन क्रोमोजोम एंड दिस इज क्रोमोज़ोम तो एनाफेज में यहाँ पे टू क्रोमोजोम प्रेजेंट है एंड एच क्रोमोजोम डबल स्टैंडर्ड डी एन ए उसके बाद एनाफेज से से सेल टीलोफेज में एंटर करता है और टीलोफेज से ये दोबारा जी नॉट फेज में एंटर करता है और जब सेल दोबारा जी नॉट फेज में एंटर करता है तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन है इसका डायमीटर है इलेवन टू थर्टी नैनोमीटर विच इज सेम एज हेयर नाउ सबसे पहले यहाँ पे जो डीएनए है इसका डायमीटर है टू नैनोमीटर ये एक सिंपल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और जब ये डीएनए है ये कॉइल्ड होता है विद दिस्टोन प्रोटीन तो इसका जो डायमीटर है ये इंक्रीज हो जाता है जब यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन्स है ये बाइंड करते हैं डीएनए के साथ तो एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनती है सो हिस्टोन हिस्ट्रोनिपेट इन दमेशन ऑफ बीड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज इज एंड दिस बीड लाइक द सो आर दिफरेंट न्यूक्लियो जोमस नाउ ये जो न्यूक्लियो है ये हिस्टोन प्रोटीन की बाइंडिंग की वजह से बनती है जब ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये बाइंड करते हैं विद द डीएनए तो जो डीएनए है इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है अप टू इलेवन नैनोमीटर

They are globular protein, they have globular structure, so that's why they are called the globular proteins. And histone proteins they are rich in lysine and arginine residues. Now, jo histone proteins hai, they are of two types on the basis of their replication or their synthesis. First is the replication dependent histone proteins, and second are the replication independent histone proteins. Jo replication dependent histone proteins hai, in my example hai, H1 histone. H2A टू ए हिस्टोन एच टू बी हिस्टोन एच थ्री एंड एच और जो रेप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन्स हैं इसमें एग्जाम्पल है H3.3 हिस्टोन वेरियंट ऑफ एच थ्री हिस्टोन और यहाँ पे सीई एन पी एन और सीई एन पी स्टोन भी प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग है, है तो बोला जाता है लेकिन जो रेप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हे स्टोन है इनकी सिंथेसिस किसी भी फेज के दौरान हो सकती है दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दी एस फेज ऑफ सेल साइकिल सो दट वाई दे आर कॉल द रेप्लीकेशन है हिस्टोन नाउ जो रेप्लीकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन है इनकी सिंथेसिस के लिए जो एमआरएनए चाहिए दिस एमआरएनए इज विदाउट पॉलीए और सेकेंडली जो रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट हिस्टोन है इनकी सिंथेसिस के लिए जो एमआरएनए चाहिए दिस एमआरएनए इज विद पॉलीए

उसके बाद यूबीक्यूटी नेशन विच इज डिग्रेडेशन उसके बाद एडीपी राइबोसिलेशन

और जो सी डोमेन है इट इज प्रेजेंट इन फोल्डेड डोमेन तो यहाँ पे कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो जो केमिकल मॉडिफिकेशन है ये एंड डोमेन में होगी ऑफ स्टोन प्रोटीन नाउ जो एंड डोमेन है इसमें डिफरेंट रेसिड्यूज होते हैं इसमें लाइसिन रेसिड्यू भी हो सकता है

जो एसिटाइलेशन है इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है और यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप डोनर है दैट इज कॉल्ड दी एसिटाइल को ए और एसिटाइलेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए इसे हम बोलते हैं हिस्टोन एसिटाइलेज एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन विच मीन्स कि इसकी डी भी होती है और डी के लिए जो एंजाइम चाहिए वो है हिस्टोन डी DNA पे जो लाइज रेसिड्यू प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट एट दी एंड टर्मिनल ऑफ हिस्टोन जब इसकी एसिटाइजेशन होती है तो इससे जो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन है इनके बीच में जो हैं ये डिक्रीज हो जाती हैं बिकॉज जब भी यहाँ पे एसिटाइलेशन होती है एसिटाइल ग्रुप की एडिशन होती है तो इससे जो हिस्टोन पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ये डिक्रीज हो जाता है नाउ डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल और हिस्टोन एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है बिफोर एसिटाइलेशन तो इसकी वजह से ये जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है एंड हिस्टोन जब इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती मींस एसिटाइलेशन नहीं हुई होती तो ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है इसीलिए ये दोनों जो है ये आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और टाइटली बाइंड करते हैं लेकिन जब यहाँ पे एसिटाइलेशन होती है तो ये जो हिस्टोन का ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ये डिक्रीज होने लगता है इसलिए जो डीएनए एंड हिस्टोन के बीच में इंट्रेक्शन है ये भी डिक्रीज हो जाती है और जब एक बार डीएनए एंड हिस्टोन के बीच में जो इंट्रेक्शन है ये डिक्रीज हो जाती है तो जो डीएनए है इसमें एक डॉकिंग साइट डिवेलप होती है दिस इज कॉल्ड द डॉकिंग साइट ऑफ डीएनए Now, ये जो डॉकिंग साइट है इसके साथ जो वेरियस प्रोटीन्स एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये डॉकिंग करते हैं मीन्स बाइंड करते हैं सो so, यहाँ पे जो प्रोटीन्स मेनली वो प्रोटीन जिनके पास की एक ब्रोमो डोमेन हो वो यहाँ पे ये जो डॉकिंग साइट है डीएनए की इसके साथ इंट्रैक्ट करेंगे और सेवरल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये भी यहाँ पे जो डॉकिंग साइट है डीएनए की इसके साथ बाइंड करते हैं नाउ सबसे पहले जब डीएनए जो है ये हिस्टोन के साथ बाइंडेड फॉर्म में था तो इसे हम बोलते हैं क्लोज डीएनए लेकिन जब यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन के बीच में इंट्रेक्शन डिक्रीज होती है तो इससे जब भी इंट्रेक्शन डिक्रीज होती है स्टोन और डीएनए के बीच में तो जो डीएनए है ये ओपन फॉर्म में जाने लगता है और जो ओपन फॉर्म है डीएनए की इट इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए एंड क्लोज फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए तो जब यहाँ पे जो डीएनए है और हिस्टोन है इनके बीच में इंट्रेक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो तब डीएनए जो है इसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है नाउ यहाँ पे जो डीएनए है जब ये ओपन फॉर्म में कन्वर्ट होता है विद ऑफ हिस्टोन प्रोटीन तो जो डीएनए है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव फॉर्म में एंटर करता है मीन इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन है ये स्टार्ट होती है तो इसका मतलब है कि जो एसिटाइलेशन है इट प्रमोट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए now this is the closed form of dna and it is called transcriptionally inactive form of dna and this is the open dna and this is transcriptionally active form of dna now jo transcriptionally inactive form hai dna ki ye histone modification ki wajah se hoti hai yahan pe do tarah ki jo histone modifications hain which include the unacetylation और हाइपो फॉर्म ऑफ हिस्टोन जब यहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप है ये बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है हिस्टोन के लाइसिन रेसिड्यू पे और जो अगर एसिटाइलेशन हिस्टोन में प्रेजेंट है तो बहुत कम एसिटाइलेशन है विच इज कॉल्ड दी हाइपो एंड सेकेंडली हिस्टोन इज हाईली मिथाइलेटेड तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो डीएनए है ये क्लोज फॉर्म में रहेगा एंड इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव तो इसका मतलब है कि जो क्लोज फॉर्म है इसके लिए मिथाइलेशन चाहिए और हाइपोएसिटाइलेशन कंडीशन मींस यहाँ पे जो हिस्टोन है इसकी मिथाइलेशन ज्यादा है और एसिटाइलेशन मॉडिफिकेशन जो है हिस्टोन की ये बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है

एंड हिस्टोन के बीच में इंट्रेक्शन है ये इंक्रीज हो जाती है इसलिए डीएनए क्लोज्ड फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे मिथाइलेशन प्रेजेंट नहीं है जब हिस्ट्रोन में तो जो डीएनए है ये ओपन फॉर्म में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइपर एसिटाइलेटेड कंडीशन है हमने अभी देखा कि जब भी जो हिस्टोन है इसमें एसिटाइलेशन मॉडिफिकेशन इंक्रीज होती है तो डीएनए एंड हिस्टोन के बीच में इंट्रेक्शन डिक्रीज होती है और डीएनए ओपन फॉर्म में कन्वर्ट होता है

नाउ यहाँ पे जो एन टर्मिनल है का, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन इन दोनों की मिथाइलेशन होती है और जो लाइसिन है इसमें मोनोमिथाइलेशन डायमिशन एंड ट्राइमिथाइलेशन होती है लेकिन जो आर्जिन इसमें मोनोमिथाइलेशन एंड डायमिशन होती है यहाँ पे ट्राइमिथाइलेशन कंडीशन नहीं होती उसके बाद जो हिस्टोन थ्री है इसका जो फोर्थ पोजिशन पे लाइसिन रेसिड्यू है और सेकेंडली जो थर्टी सिक्स पोजिशन पे इसके लाइसिन रेसिड्यू है जब इनकी मिथाइलेशन होती है तो जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन डेवलप होती है means जो DNA है ये ओपन फॉर्म में कन्वर्ट होता है Secondly, जो histone 3 है, जो है इसका लाइसिन नाइन्थ पोजिशन पे है और जो इसका लाइसिन ट्वेंटी सेवेंथ पोजिशन पे है जब इन दोनों की मिथाइलेशन होती है तो यहाँ पे जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है मीनस जो हिस्टोन थ्री है इसका जो लाइसिन नाइन लाइसेंस लाइसिन 27 है जब इनकी मिथाइलेशन होगी तो जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कंडीशन में चला जाएगा जब हिस्टोन थ्री जो है इसका लाइसिन फोर एंड लाइसिन थर्टी सिक्स जब इनकी मिथाइलेशन होगी तो जो डीएनए है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन में चला जाएगा सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोम स्ट्रक्चर एंड हिस्टोन प्रोटीन एंड देर मॉडिफिकेशन इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स प्लीज आसमी सेक्शन एंड इफ यू फाइंड कंटेंट यूजफुल प्लीज लाइक एंड शेयर दीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायोलॉजी on earth.